जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एशिया सोसाइटी इंडिया सेंटर का ये जो प्रोग्राम है न्यू वॉइसेज इन स्क्रीन राइटिंग, जो एक फेलोशिप देता है, ये सही में बहुत ही खास किस्म का प्रोग्राम है। सबसे पहले इसलिए क्योंकि आई थिंक कि ये पहला ऐसा, भारत में पहला ऐसा इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कॉलरशिप है जो ये समझता है कि राइटर्स को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कि वो हवा खा के लिख नहीं सकते, और वो एक फेलोशिप देता है, एक स्कॉलरशिप टाइप का देता है एक साल तक आपको। तो सबसे पहले तो उस वो आपको एक अमेजिंग सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। एंड उसके बाद ये, चूँकि मैं इस साल इस प्रोग्राम में थी, बहुत ही एक तो बहुत ही कठिन क्वालिफाइंग प्रोग्राम है ये, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे इन्होंने बताया 300, इस साल 380 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स में से इन्होंने 7 चुने हैं। मल्टीपल लेवल होता है इनका सिलेक्शन का, जिसमें वर्कशॉप्स भी होते हैं, इंटरव्यूज़ भी होते हैं, आपकी राइटिंग भी देखी जाती है, और उसके बाद जो 7 लोग सिलेक्ट होते हैं, एक साल तक उन बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे काबिल लोग, इंडस्ट्री के जाने माने लेखक जो हैं, वो आपको मेंटोर करते हैं, जो एक बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है मेरे जैसे एक शख्स के लिए जो कभी फिल्म स्कूल नहीं गया है, जो कभी राइटिंग के किसी ऑफिशियल यू नो स्कूलिंग टाइप के प्रोग्राम में नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही खास मौका है, और हम सब एशिया सोसाइटी इंडिया सेंटर और इनके जो फंडर्स हैं टाइम वॉर्नर, और जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, जैसे कि अंजुम रजब अली जी, जो खुद एक बहुत ही बेहतरीन और रिस्पेक्टेड राइटर भी हैं और बहुत ही आई थिंक बेस्ट टीचर हैं स्क्रीन राइटिंग के आज की डेट में इंडिया में, वैसे लोगों ने हमारे जो मेंटर्स थे चारू दत्त सर, पुबाली विकास सर, इन लोगों का काम, तो आई थिंक ये बहुत सही मायने में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, ख़ास प्रोजेक्ट है ये, और इसका जो असर है, जो एक अच्छा असर होगा, वो हमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। गेट अ चांस मीन आई हैव रिटन दिस मूवी, ये फिल्म है, और मैं चाहती हूँ कि ये मैं पिच करूँ प्रोडक्शन के लिए, डायरेक्टर्स को पिच करूँ, एंड आई होप कि इस साल के अंदर या बाय नेक्स्ट ईयर ये इस पे कोई यू नो एक इस पे काम शुरू हो जाए, मतलब आई होप वी कैन गो ऑन द फ्लोर्स। द स्क्रिप्ट इज अ लव स्टोरी है, लव ट्रायंगल है, बहुत मेसी सी कहानी है, बहुत ड्रामा और मेलो ड्रामा है, और मैं काफ़ी उस तरीके से टिपिकल हिंदी फिल्म वाले कॉन्फ्लिक्ट हैं उसमें, एक लड़की और दो लड़कों की कहानी है। आप भी उसमें एक्टिंग करते हो? आई होप सो, आई होप मुझे अपनी खुद की फिल्म के लिए ऑडिशन नहीं देना पड़ेगा। मैंने लिखा ज़रूर था कि मैं खुद वो लड़की का किरदार निभाऊँ, लेकिन अब जब लिखना खत्म हो चुका है तो मुझे लग रहा है कि जो लड़के के किरदार हैं दोनों वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और नहीं, अभी तक मैंने किसी को पिच नहीं किया है, मैंने किसी डायरेक्टर को भी पिच नहीं किया है, मैंने किसी प्रोड्यूसर को भी पिच नहीं किया है, अभी तक मैं कहानी को ही ठीक कर रही थी। अब जो ये प्रोग्राम खत्म हो गया और मेरे अंदर थोड़ा आत्मविश्वास आया है, अब मैं ये प्रोसेस शुरू करूँगी। राइटिंग में ही चैलेंजेस ही चैलेंजेस है बॉस, मुझे तो कभी नहीं लगता 10 साल हो गया कि राइटिंग कभी इजी है। इट्स जस्ट वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स दैट यू डू, बिकॉज इट्स ऑल इन योर हेड, इट्स फर्स्ट देयर इज नथिंग एंड देन देयर इज द स्क्रिप्ट एंड देन देयर इज द फिल्म एंड द स्टार्स एंड द म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट्स दैट क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप के कुछ नहीं है, इट्स लाइक मैजिक, खाली है, सिर्फ एक आइडिया है कि फिल्म बनाना है, टू व्हाट इज द फिल्म अबाउट, दैट फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज राइटिंग। सो आई थिंक एनी राइटिंग इज जस्ट अ टफ जॉब, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, सर्टनली नॉट फॉर मी, आई डोंट थिंक फॉर एनी अदर राइटर विल से राइटिंग इज ईजी।